हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ईशा मल्होत्रा है और एमवीसी ट्यूटोरियल की ये मेरी सिक्स्थ वीडियो है। अपनी पिछली वीडियोस में मैंने एमवीसी के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कशन किया था, जैसे एमवीसी के एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट करते हैं, कंट्रोलर क्या होता है, हम कंट्रोलर के अंदर एक्शन के साथ किस तरीके से व्यू क्रिएट करते हैं। देन इसके अलावा मैंने नॉन एक्शन एट्रीब्यूट के बारे में भी डिस्कशन किया है। अपनी इस वीडियो में हम बेसिक फॉर्म टैग के बारे में पढ़ेंगे कि मींस हम लोग अपना फॉर्म टैग कैसे क्रिएट करते हैं और एक एमवीसी के व्यू से दूसरे एमवीसी के व्यू पर कैसे मूव करते हैं। तो रिडायरेक्शन के बहुत सारे तरीके हैं काम करने के लिए एमवीसी के अंदर, लेकिन अपनी इस वीडियो में हम लोग एक्शन के थ्रू डिस्कशन करेंगे। मींस फॉर्म टैग का एक एट्रीब्यूट है जो कि हमारा एक्शन एट्रीब्यूट है, तो एक्शन एट्रीब्यूट के थ्रू हम किस तरीके से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे, इट मींस एक एक्शन से दूसरे एक्शन पे हम लोग रिडायरेक्शन करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, ये मेरे सामने ये एक एमवीसी की बेसिक एप्लीकेशन है। यहाँ पर मेरे पास एक इंडेक्स नाम का एक व्यू क्रिएट किया हुआ है, एक एक्शन क्रिएट किया हुआ है और इसी इंडेक्स के साथ मैंने एक व्यू भी क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पे सिंपल वेलकम प्रिंट कराते हैं, कोड को एग्जीक्यूट करते हैं व्यू को चेक करने के लिए। तो सिंपल मुझे वेलकम यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। इट मीन्स जब मैंने अपनी एमवीसी के एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट किया तो इस इंडेक्स के अगेंस्ट इस इंडेक्स व्यू की कॉलिंग हो गई। तो अब यहाँ पर ही फॉर्म टैग क्रिएट करते हैं। मैंने एक फॉर्म टैग लिया। अब इस फॉर्म टैग के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए मैंने एक इनपुट टाइप लिया। टाइप को मैंने दिया टेक्स्ट, यहाँ पे इसकी आईडी सेट करी I1 के नाम से, इसका नेम सेट किया N1 के नाम से। एमबीसी में जब हम अपने डेटा को व्यू से कंट्रोलर पे रिडायरेक्शन करते हैं, मींस जब हम फ्रंट एंड से बैक एंड में डेटा को एक्सेस करेंगे तो हम इस नेम के थ्रू इसे एक्सेस करेंगे। तो HTML के जितने भी कंट्रोल्स हैं उसे हम नेम के थ्रू एक्सेस करके चलते हैं। अभी हमने यहाँ पर सिंपल HTML का टैग यूज किया है, आगे जाके हम HTML हेल्पर क्लासेस मीन्स HTML के टैग के साथ काम करने के लिए हमें कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस दे रखी हैं जो कि हमारी HTML हेल्पर क्लासेस हैं। तो आगे हम उनका भी डिस्कशन करेंगे कि हम किस तरीके से HTML हेल्पर क्लासेस की हेल्प से हम लोग अपने फॉर्म को क्रिएट करते हैं। बट इस वीडियो में मुझे सिर्फ बेसिक फंडामेंटल्स बताने हैं कि एक HTML फॉर्म के थ्रू हम लोग किस तरीके से रिडायरेक्शन करते हैं। एक ब्रेक टैग ले लिया। आप यहाँ पे टेबल टैग का यूज भी कर सकते हैं प्रॉपर फॉर्म क्रिएट करने के लिए। एक दूसरा इनपुट टैग लिया। और यहाँ पे मैंने एक इनपुट टाइप सबमिट बटन ले लिया। ठीक है, एक बार इस फॉर्म का एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमारे सामने दो टेक्स्ट बॉक्स आ गए और साथ में एक शो का बटन भी आ गया। अब रीडायरेक्शन के लिए मैं ये चाहती हूं कि मुझे एक और एक्शन की जरूरत है। मैंने एक और एक्शन लिया और इसे नाम दे दिया शो। एक व्यू क्रिएट करते हैं शो के नाम का। ये व्यू आ गया। अब हम यहां पे लिख देते हैं दिस इज माय न्यू व्यू। ठीक है, अब मैं ये चाहती हूँ कि इस सबमिट के क्लिक होने पर मुझे इस पर्टिकुलर शो डॉट एच टी एम एल पे रिडायरेक्शन करवाना है, मीन्स इस शो एक्शन पे रिडायरेक्शन करवाना है।
तो हमने यहाँ पे लिया फॉर्म। अब फॉर्म टैग में सबसे पहला एट्रीब्यूट आता है मेथड एट्रीब्यूट। मेथड एट्रीब्यूट में हम लोगों को अपनी रिक्वेस्ट को सेट करना होता है कि हमें गेट रिक्वेस्ट के साथ काम करना है या पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ काम करना है। जब आप गेट रिक्वेस्ट के साथ काम करते हैं तो गेट रिक्वेस्ट के केस में हमारा जो डेटा है वो URL के साथ बाइंड होके जाता है, और अगर हम पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ काम करते हैं तो MVC में पोस्ट रिक्वेस्ट के टाइम पे हमारा डेटा फॉर्म कलेक्शन के साथ बाइंड होके जाता है। तो हमने यहाँ पे सपोज मेथड सेट कर दिया गेट। अब दूसरा हमें सेट करना है एक्शन। एक्शन मीन्स कि जब सबमिट बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमें कहाँ रीडायरेक्ट करना है। तो मैंने कहा कि मेरा जो व्यू है उसका नाम शो है, तो मुझे शो पे रीडायरेक्ट करना है। ठीक है, ये शो है तो हमें यहाँ रीडायरेक्ट करना है। कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे शो पे क्लिक किया। अभी कुछ डेटा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम डेटा फेच नहीं कर रहे हैं अभी। तो मैंने शो पे क्लिक किया। ओके सॉरी, मैंने कंट्रोलर का नाम पास नहीं किया। मेरे कंट्रोलर का नाम है होम कंट्रोलर एंड देन शो। सपोज कुछ डेटा डाल लेते हैं यहाँ पे। सपोज मैंने डाला 2390 शो। एक सेकेंड, दोबारा एग्जीक्यूट करें कोड को। कुछ डेटा डालते हैं इसमें। तो आप देखिए, इसने मुझे मेरा व्यू जो है वो डिस्प्ले करवा के लाकर दे दिया। और यहाँ पे आप देखिए N1 के अंदर और N2 के अंदर। अब आप देखिए, जब हमने अपना कोड सेट किया था तो यहाँ पे हमने N1 और N2 दिया था। तो N1 और N2 के अंदर ये डेटा जो है वो हमारा पास हो गया एंड देन हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब अगर यही हम पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ काम करते हैं, हमने गेट की जगह यहाँ पे पोस्ट दिया है। तो आप देखिए, हमें यहाँ पे URL में कोई डेटा नहीं मिल रहा। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अपनी अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से अपने व्यू के डेटा को बैकएंड पे यानी कि अपने कंट्रोलर में एक्सेस कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम बाकी के कंट्रोल्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, जो बाकी के HTML के हमारे फॉर्म टैग के कंट्रोल्स हैं। बट इस वीडियो का पर्पस मेरा सिर्फ इतना ही था कि मींस हम एक व्यू से, मींस एक एक्शन से दूसरे एक्शन पे हम लोग किस तरीके से रीडायरेक्शन करते हैं यूजिंग एक्शन टैग। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को इजीली देख सकें। थैंक यू सो मच, बाय।